सुबह इस कैसे हो। आज की वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है, क्योंकि आज मैं अपनी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं लगभग अपनी हर वीडियोस में यूज लेता हूँ। आप लोगों ने शायद मेरी पहले वीडियो दे रखी होगी, पर चेक कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया होगा। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ट्रिक क्या है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली इस ट्रिक की मदद से तुम किसी भी एनिमी कंट्री जो कि तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हरा सकते हो, वो भी ईजीली। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं प्ले कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स को, और मैं यहाँ डिफीट करूँगा कनाडा को। और तुम हमारी पावर देख सकते हो, कनाडा यहाँ पे हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी हम कनाडा को हराएंगे इस ट्रिक का यूज़ लेके। तो इस ट्रिक को यूज़ लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले एनिमी की आर्मी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब भी तुम एनिमी पर अटैक करो तुम्हें करना क्या होगा, जो एनिमी के पास जितने भी वॉरशिप, सबमरीन, बमर, कैनन और हेलीकॉप्टर, ये पाँच चीज़ें जितनी भी क्वान्टिटी में है ना, तुम्हें अपनी सेम चीज़ें उसे डबल क्वान्टिटी में रखनी है। चाहे तुम अपने सोल्जर्स कम कर लो, चाहे तुम्हारा फाइटिंग व्हीकल्स कम कर लेना, चाहे तुम्हारे पास हो ही मत, बट ये पांच चीज़ें तो तुम्हारी उनसे डबल होनी चाहिए। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो पांचों चीज़ें वो मैंने डबल क्वांटिटी में रखी है, लेकिन हमारी टोटल जो आर्मी पावर है वो कनाडा से यहाँ पर कम है। अब हमें इसका फ़ायदा बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी हम अटैक करते हैं पहला अटैक करने का मौका हमें मिलता है, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाना है और हमारी वॉरशिप से एनिमी की वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसे ही फिर हमारी सबमरीन से एनिमी की सबमरीन से डिस्ट्रॉय कर देना। और ये तभी होगा जब हमारे सेम चीज़ों की क्वांटिटी उनके सेम चीज़ों से डबल हो, ठीक है, ताकि वो एक ही अटैक में फिनिश हो जाए। तो फिर ऐसे ही हम बमर से उनके बमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हेलीकॉप्टर से उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और कैनन से हम कोशिश करेंगे उसके कैनन को डिस्ट्रॉय करने की। तो यहाँ पर थोड़ी सी पावर उनकी शायद ज़्यादा थी इसलिए उनके कैनन्स बच गए, बट वो अपन को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे। जब अपोनेंट की जब टर्म आएगी अटैक करने की, तो उनके जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो वेपन्स थे जो हम पे अटैक कर सकते थे लंबी दूरी से, तो वो तो पहले ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो उनके बचे हुए वेपन्स है जो अटैक करने का उनको पहला स्टेप मिला उसमें, तो वो रेंगते रह जाएगी, तो मतलब उन वो अटैक करने का उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल पाएगा। तो अब बारी आएगी हमारे सेकंड स्टेप की, जब हमें अटैक करने का फिर से मौका मिलेगा। तो क्योंकि अब उनके पास ना तो बमर है, ना कुछ भी, ना कोई वॉरशिप है, ना सबमरीन है, लेकिन हमारे पास तो है, तो हम इसी का बेनिफिट उठाएंगे और हम सेकंड स्टेप में हमारे इन्हीं वेपन्स की मदद से उनकी आर्म फाइटिंग व्हीकल्स या फिर जो भी उनकी जो ज़्यादा पावरफुल चीज़ है उन पर टारगेट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेकंड अटैक करने के बाद हमारी पावर लगभग उतनी की उतनी है, लेकिन एनिमी की पावर थोड़ी कम हो चुकी है। और यही सेम चीज़ हम बार बार फॉलो करेंगे, तो हमारी आर्मी तो लगभग उतनी रहेगी, लेकिन एनिमी की आर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और फाइनली तुम देख सकते हो बार बार सेम चीज़ रिपीट करने से एनिमी की आर्मी तो भाई ख़त्म ही हो गई, और फाइनल जो रिजल्ट रहता है वो यही रहेगा कि हम विनर हो जाएंगे। सो इस गेम से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए, तो भाई तुम जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो